हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक्सटर्नल ट्रेड को लेकर आती हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें बांग्लादेश के स्लोअर एक्सटर्नल ट्रेड के वजह से ग्रोथ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या ही ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के एक्सटर्नल ट्रेड को लेकर आती हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हमें ये जानने को मिला है कि करंट फिस्कल ईयर का जो टोटल एक्सटर्नल ट्रेड है बांग्लादेश का, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया है और उसके वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इस चीज के बारे में एक ऑपोजिट ओपिनियन भी है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो वर्कर्स रेमिटेंस है उसमें एक रोबस्ट ग्रोथ आया है, जिसके वजह से स्लोअर एक्सटर्नल ट्रेड के लिए बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था वो काफी ज्यादा बैलेंस हो जाएगा। और इस पूरे न्यूज को बांग्लादेश बैंक ने पिछले रविवार को एक क्वार्टरली रिपोर्ट के तहत ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करेंटली बांग्लादेश की एक्सटर्नल ट्रेड में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और आप सबको पता होगा कि आज की दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, जिसके वजह से दुनिया में डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड सारे कंट्रीज की इकोनॉमी में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। और इस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर के चलते। और जब तक ये ट्रेड वॉर खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा इकोनॉमिक स्लोडाउन बना रहेगा, ऐसा ही मानना है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का। बांग्लादेश बैंक ने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि करंट फिस्कल ईयर के पहले 5 महीने में एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के पहले 5 महीने के मुकाबले 7.60% का ड्रॉप ऑब्जर्व किया गया है, जबकि इंपोर्ट्स में 3.20% का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन बांग्लादेश बैंक ने आगे ये भी बताया है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है यानी कि जो जीडीपी है वो अगले साल भी 8.0% से ऊपर रहने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश में वर्कर्स रेमिटेंस हर साल बढ़ रहा है और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट बांग्लादेश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में देखने को मिल रहा है। करंट फिस्कल ईयर के पहले 5 महीने में बांग्लादेश के अंदर रेमिटेंस का इनफ्लो लगभग 23% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अगर देखा जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज था बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश के लोगों के लिए। इसमें एक तरफ जब बांग्लादेश की एक्सटर्नल ट्रेड में स्लो डाउन की बात किया गया है, वही दूसरे तरफ रेमिटेंस इनफ्लो की इम्प्रूवमेंट की बात भी किया गया है। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश को अपने एक्सटर्नल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं यहां पर ये बता दूं कि हमने पिछले एक वीडियो में ही बांग्लादेश गवर्नमेंट किस तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलकर अपने ट्रांस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है, उसके विषय में बात किए है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।